कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है। वंदितु सव सिद्धे भुवमचल मणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाड़ नमो सुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। समय सार परमागम सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार स्वभाव से सर्वविशुद्ध ज्ञान को पर्याय में भी सर्वविशुद्ध कैसे किया जाए इसकी प्रेरणा इसका उपाय कुंद कुंद आचार्य बता रहे हैं। और विगत गाथाओं में जो चर्चा आई उन चर्चाओं के हिसाब से यदि अपने आप को शुद्ध करना चाहते हो तो अशुद्धि की जिम्मेदारी स्वयं पर लेनी पड़ेगी। अशुद्धि किसी दूसरे ने नहीं की, दूसरे के कारण से नहीं हुई, मेरी ही गलती से हुई है, इसलिए मैं अपनी गलती सुधार करके अपने आप को शुद्ध कर सकता हूँ। और हमारी अशुद्धि रागादि विकारी भावों की उत्पत्ति का होना है, और वो रागादि विकारी भाव अब न हो इसका क्या उपाय है। इसके उपाय के रूप में एक शब्द में कहा जाए तो चारित्र है। और चारित्र माने अपने स्वरूप की रमणता, अपने स्वरूप की लीनता। वह अपने स्वरूप की लीनता क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि हम दोष करते जा रहे हैं, दोषों में उलझे हुए हैं, और उन दोषों में भी त्रिकाल से जुड़े हुए हैं, भूत भविष्य वर्तमान सर्व ओर से जुड़े हुए हैं। इसलिए उनके निवृत्ति के उपाय के रूप में ये प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना के रूप में चर्चा ली है कि जो ये प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना करते हैं वे साक्षात चारित्र होते हैं, और ऐसे साक्षात स्वयं चारित्र रूप होते हुए ज्ञान का संचेतन करते हैं स्वयं भी, और ज्ञान का संचेतन करते हुए ज्ञान चेतना रूप होते हैं। पुनः ये प्रेरणा दे रहे हैं जब ज्ञान चेतना रूप ही होना है तो अज्ञान चेतना को छोड़ना पड़ेगा। 387 से 89 तक की गाथाएं, इनके उत्थानिका भी अमृतचंद्राचार्य देव ने कलश के रूप में लिखी है, 224वां कलश। इससे पहले पिछली गाथाओं का टीका का जो अर्थ किया उसके बाद का उपसंहार वाला पैराग्राफ है ना, क्या नाम है सचिन, स्वाध्याय शुरू हो गया, पढ़िए। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान और निश्चय आलोचना तो भूत भविष्य और वर्तमान
तीनों काल संबंधी शुभाशुभ भावों से निवृत्त होकर अपने ज्ञान स्वभाव में वर्तना रमना स्थिर होना ही है और यही निश्चय चारित्र है जो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक होता है। अतः एकमात्र करने योग्य कार्य तो आत्मज्ञान पूर्वक आत्मरमणता ही है। अब इसमें मेरा ध्यान आपको आकर्षित करना है, गाथाओं में तो शुभाशुभ कर्मों की बात की थी और यहाँ लिख रहे हैं तीनों काल संबंधी शुभाशुभ भावों से निवृत्त होकर, शुभाशुभ भावों से निवृत्ति की बात कर रहे हैं। तो कर्म है कि भाव है? कर्मों की बात है कि भाव की बात है? तो कर्मों की है तो भाव की कैसे आई? गाथा में तो कर्म की ही बात थी लेकिन टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने तीनों को एक साथ लेते हुए वो कर्म के उदय से हुए जो भाव, उन भावों से अपने आप को भिन्न जानता है वो अपने आप ही उसी समय, चूँकि वे जो वर्तमान के भाव हो रहे हैं उनके कारण पूर्वकृत कर्म थे, उनका उदय था, तो इन भावों को भिन्न जाना तो उन कारणों से भी भिन्न जाना, इसलिए उन कर्मों से भी भिन्न जाना। और जब इन शुभाशुभ भावों से भिन्न जाना तो आगामी कर्म भी नहीं बंधे, भविष्य के इनके कार्यभूत कहा था उनको, वे भी नहीं बंधे, उनसे भी निवृत्ति हुई। और वर्तमान से तो अपने आप को भिन्न जान ही रहा है तो भूतकाल के कारणों से निवृत्ति हुई इसलिए प्रतिक्रमण हुआ, वर्तमान में ही इन भावों से भिन्न अनुभव कर रहा है इसलिए आलोचना हुई, और इनके कार्य में आगे के कर्म बंधते उनसे निवृत्ति हुई इसलिए प्रत्याख्यान भी हुआ। तो भावों की भिन्नता वाली बात मुख्य थी, उन भावों से अपने आप को भिन्न जाना, ज्ञान रूप अपने आप को जानकर उसी में स्थिर हुआ, इसलिए वह तीनों बातें एक साथ उसमें घटित हुई और इनसे भिन्न होकर अपने स्वरूप में स्थिर रहे, इसी का नाम चारित्र है। और उस चारित्र के अंग ही प्रतिकरण प्रत्याख्यान आलोचना है। एक तरह से ज्ञान चेतना की प्रेरणा दी थी, अब उसी ज्ञान चेतना की प्रेरणा आगे बढ़ाते हुए कर्म चेतना, कर्म फल चेतना से निवृत्त होने की बात गाथाओं में आ रही है, टीका में आ रही है, इसलिए वो उसके संन्यास की भावना को विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। 224वां कलश उत्थानिका वाला। ज्ञानस्य संचेतनयैव नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धम्, अज्ञान संचेतनया तु धावन् बोधस्य शुद्धिं निरुणद्धि बन्धान्। दोनों स्थितियां एक साथ ले रहे हैं, ज्ञान चेतना से क्या होता है और अज्ञान चेतना से क्या होता है। ज्ञानस्य संचेतनया एव नित्यम् ज्ञानम अतीव शुद्धम प्रकाशते। ज्ञान के संचेतन से नित्य ही ज्ञान अत्यंत शुद्ध प्रकाशित होता है। ज्ञानस्य संचेतनया, ज्ञान के संचेतन से ही। अब ज्ञान का संचेतन, अज्ञान का संचेतन क्या है, अभी जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ में भी थोड़ा पढ़ेंगे अपन, और अगली गाथा की टीकाओं में भी आ रहा है विस्तार से। ज्ञान के संचेतन, साथ में एव शब्द भी लगाया, ज्ञानस्य संचेतन या एव, ज्ञान के संचेतन से ही ज्ञान अत्यंत शुद्ध होकर प्रकाशित होता है। अभी हमारा ज्ञान अशुद्ध, मलिन, विकारी, अल्परूप हो रहा है। अल्परूप होने में अल्पता होती है तो विकृति आती ही है। पीछे एक प्रकरण ये भी आया है, ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन बंध का कारण है। ज्ञान का जघन्य परिणमन बंध का कारण है।
तो ज्ञान का जघन्य हो चाहे उत्कृष्ट हो, तो ज्ञान तो अपना स्वभाव है, तो जानना स्वभाव है, तो जानना स्वभाव है तो उससे बंद कैसे हो सकता है। जैसा टोडरमल जी ने लिया ना, नवीन बंद विचार में नया बंद हो रहा है, तो उसमें एकमात्र मोहनी कर्म के उदय से हुए मिथ्यात्व और राग द्वेष के परिणाम, दर्शन मोह चारित्र मोह वही कारण है, बाकी और किसी कर्म के कारण होने वाली स्थिति कोई कारण नहीं बनती। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के लिए तो कह दिया, इनका तो क्षयोपशम रहता है, और इससे जितना ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं वीर्य का अंश, ज्ञान दर्शन वीर्य इसका अंश जितना प्रकट है वो स्वभाव का अंश है, और जितना अप्रकट है वो तो है ही नहीं। तो जो स्वभाव का अंश प्रकट है उससे बंद होता नहीं, अभाव है उससे भी बंद होगा नहीं, तो वो तो कारण बनता ही नहीं है। तो फिर ज्ञान के जघन्य परिणमन को बंद का कारण क्यों कह रहे हैं? तो वहाँ ये कहा था कि जब तक वो ज्ञान जघन्य भाव से परिणमता है तब तक विपरिणाम को प्राप्त होता है। जघन्य है तब तक लगातार अपने स्वरूप में स्थिर हो ये संभव ही नहीं है, वह निश्चित रूप से विपरिणाम बाहर आएगा, स्वरूप स्थिरता से बाहर आएगा तो राग द्वेष की उत्पत्ति होगी, राग द्वेष की उत्पत्ति होगी तो बंद होगा, हो तो रहा है बंद राग द्वेष से ही, लेकिन वो राग द्वेष ज्ञान के जघन्य परिणमन की स्थिति में हो रहे हैं, इसलिए उसका उपचार ज्ञान के जघन्य परिणाम पर करके उसको बंद का कारण कह दिया। जैसे तत्वार सूत्र में देवायु के आश्रव के कारणों में सम्यक्त्वम च, सम्यक्त्व को भी कह दिया, ये भी देवायु के आश्रव का कारण है, जबकि सम्यक्त्व निर्जरा का कारण हो सकता है, आश्रव बंद का नहीं, लेकिन उसके साथ होने वाला शुभ भाव होने से उसको ही देवायु के आश्रव का कारण कह दिया। यहाँ क्यों चर्चा कर रहे थे? हाँ? लिंक इधर उधर हो गई, किसके लिए बात कर रहे थे? ज्ञानस्य संचेतनया एव नित्यम प्रकाशते ज्ञानम अतीव शुद्धम। वो ज्ञान के संचेतन से, और ज्ञान के संचेतन से ही ज्ञान की शुद्धता में, वो ज्ञान में अशुद्धि क्यों आ रही है इसकी बात कर रहे थे। ज्ञान हमारा अशुद्ध क्यों हो रहा है, ज्ञान की मलिनता क्यों हो रही है? तो ज्ञान की मलिनता अपूर्णता से मलिनता है, एक तो अपूर्णता के, अपूर्णता भी अपने आप में मलिनता है, और अपूर्णता होने से राग द्वेष की तरफ जा रहा है। ये तो उन सम्यक दृष्टि ज्ञानी की बात है, सम्यक रूप परिणम सकता है, लेकिन अपूर्णता से स्वरूप स्थिरता न होने से राग द्वेष हो रहे हैं। लेकिन जिन्होंने उस ज्ञान में मोह को मिला लिया है अपनी तरफ से, अपनी डेढ़ अकल और मिला दी, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा न जानते हुए अपनी बुद्धि विशेष चला ली, तो विपरीत था, वो ज्ञान में मोह की धूल लगी है, तो उससे और ज्ञान में मलिनता रही है। चश्मे से देख रहे हैं और ये इस चश्मे के ऊपर, कांच के ऊपर धूल लगी हो तो स्पष्ट नहीं दिखेगा, अस्पष्ट दिखेगा। ऐसे ही पदार्थों की इष्टनिष्ट बुद्धि की कल्पना से राग द्वेष मोह आसक्ति इनके साथ देखते हैं तो फिर वो सामने का निर्णय यथार्थ नहीं हो सकता है, वो विपरीतता आती है। इसलिए ज्ञान का संचेतन ज्ञान रूप से, यदि संचेतन हो तो ज्ञान अतीव शुद्धम प्रकाशते, निश्चित रूप से शुद्धता से प्रकाशित होगा, और ये ज्ञान के संचेतन से ही होगा और दूसरे कार्य से नहीं हो सकेगा। हम सोचे पूजा कर ले, व्रत उपवास कर ले, इनके माध्यम से इसको शुद्ध कर ले, तो क्रियाकांड से इन शुद्ध नहीं होने वाला है। क्रियाकांड से न मिले यह आत्म अविराम, ज्ञान कला से सहज सुलभ आत्मा राम, मैंने उसका उपाय ज्ञान ही है, और ज्ञान का संचेतन, ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान का संचेतन करना ही उसका उपाय है। ज्ञानस्य संचेतनयाइव नित्यम, ज्ञानम शुद्धम अतीव प्रकाशते, अतीव शुद्धम, जो अतीव शब्द दिया ना उससे लिया
सीधे पूर्ण केवल ज्ञान तक पहुंच जाता है। केवल ज्ञान तक की प्राप्ति, पूर्ण शुद्ध रूप से वह परिणमित होता है। ज्ञान को ज्ञान में स्थापित करते हुए, पुनः ज्ञान को ज्ञान में स्थापित करते हुए जितना है, जैसे व्यापार धंधा करने वाले थोड़ी सी कमाई हुई भाई, अभी हमारे पास भी संगी पंचेंद्रिय के योग इतना ज्ञान का उघाड़ हुआ है। लेकिन ज्ञान का उघाड़ तो हुआ है, ज्ञान बहुत है, लेकिन उस ज्ञान को हम कर क्या रहे हैं? पर पदार्थों को जानने में इसी पर में ही लगा करके उसको व्यर्थ करते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं, बर्बाद करते जा रहे हैं। तो क्या करें? जैसे लोक में भी कहते हैं, भैया भविष्य के लिए कुछ बचाओ, तो कुछ बचाना चाहिए ना। तो बचाने के लिए क्या करना कि थोड़ा सा इन्वेस्ट करते जाओ, विनियोजित करते जाओ। तो कहाँ विनियोजित करें? तो पैसा बचा करके, पैसे में माने डिपॉजिट करना समझो, जिससे उसमें से हमें और अधिक आय होने लगे। तो जितना अभी ज्ञान है तो उसको स्वरूप में ही लगा दो। आत्मानम आत्मनि निवेश सुनिष्प्रकम्पम, आत्मा को आत्मा में ही निवेशित करो। तो वर्तमान ज्ञान को जितना प्रकट है उस ज्ञान को अपने ज्ञान स्वभाव में लगाए। मैं त्रिकाल ज्ञान स्वरूप हूँ इसके जानने देखने में लगाए, इसके में स्थिरता करने का प्रयास करे तो क्या होगा? तो ज्ञान और विशुद्ध होकर के प्रकट होगा, ज्ञान की और वृद्धि होगी। तो वृद्धि हुई ज्ञान को क्या करना कि फिर ज्ञान में लगा दो। व्यापारी जैसा जितना पैसा कमाया, यदि सारा भोग विलास में खर्च कर दे, अपने ऊपर ही खर्च कर दे, तो क्या होगा? कुछ नहीं बचेगा, फिर आगे अपने व्यापार धंधे को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, और कर्जा लेगा तो और मुसीबत में पड़ेगा। लेकिन थोड़ा बचत करते हुए और उसी में निवेशित करता जाता है तो व्यापार अपना बढ़ाता जाता है, तो और अधिक कमाई करता जाता है। ऐसे ही ज्ञान को ज्ञान में निवेशित करें, स्थिरता की वृद्धि होगी, जितनी निर्मलता होगी उसको पुनः निवेशित करते जाए। ऐसा करते करते कह रहे हैं, ज्ञानम अतीव शुद्धम प्रकाशते, पूर्ण शुद्धता का निश्चित रूप से प्रकाश होता है। तो ज्ञान के संचेतन से, और इसके उल्टा क्या होगा? अज्ञान संचेतन या तो, लेकिन हम ज्ञान का संचेतन तो करें नहीं और अज्ञान का संचेतन करें। अभी अज्ञान के संचेतन की भी अपन टीका में करेंगे, इसलिए थोड़ा गौन कर देते हैं यहाँ। उससे क्या होगा? यदि हम ज्ञान के संचेतन को छोड़कर अज्ञान का संचेतन करेंगे तो धावन बोधस्य शुद्धिम निरुणद्धि बंधा। तो कह रहे बंधा धावन, बंध दौड़ता हुआ आएगा और आकर के बोधस्य शुद्धिम निरुणद्धि, हमारे ज्ञान की जो शुद्धता है उसे रोक देगा, माने उसे अशुद्ध कर देगा, ज्ञान अशुद्ध हो जाएगा और पुनः अज्ञान। तो अज्ञान रूप है, अज्ञान का ही संचेतन करते जाएंगे और अज्ञान का संचेतन करते जाएंगे तो अज्ञान रूप ही परिणमित होते रहेंगे। वो कोई इकोनॉमिक्स का एक नियम बताते हैं, मैंने कोई गरीब है, क्यों गरीब है? क्योंकि गरीब है इसलिए गरीब है। तो क्या मतलब? तो अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? क्योंकि अज्ञानी है इसलिए। तो ज्ञानी बनेगा कैसे? तो अज्ञानपना छोड़ना पड़ेगा ना। अज्ञानी है और अज्ञानी हूँ ऐसा ही संचेतन करता रहेगा तो अज्ञानपना छूटने वाला नहीं है। वो ज्ञान को रोक रहा है, ज्ञानस्य निरुन्नत, और साथ में बंधा धावन, जैसे ही अज्ञान का संचेतन किया, अपने ज्ञान स्वरूप को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी संचेतन हुआ, बंधम, बंध तत्काल धावता हुआ आता है, बिल्कुल अंतर नहीं। यहाँ कर्म में, भाव से बंधने वाले कर्म में भी उधार का खाता नहीं है, आज नगद कल उधार, वो अभी अभी परिणाम हुआ और अभी तत्काल बंधेगा,
उसी समय बनता है एक ही साथ। पीछे किसी उसमें जयचंद जी छावड़ा के भावार्थ में है, तीन काम एक साथ होते हैं। तीन काम, पुराने कर्म का उदय, उसी समय उस उदय में जीव का जुड़ना, और उसी समय नया आश्रव होना, एक साथ तीनों काम। और साथ में तीनों अपनी अपनी योग्यता से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जबकि निमित्त नैमित्तिक संबंध से एक दूसरे से हम जोड़ते हैं भले ही, लेकिन सब अपनी अपनी योग्यता से, और एक साथ एक समय में तीनों काम हो रहे हैं तो होते रहते हैं। इसलिए अज्ञान रूप संचेतन किया, उसी समय तत्काल आश्रव बंद, और उसी समय बोधस्य शुद्धिम निरुनद्धि, और अपने ज्ञान स्वरूप का रोकना, ज्ञान स्वरूप को वह मलिन कर देता है, रोक देता है। श्लोकार्थ पढ़ते हैं, श्लोक का पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं। यह ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ज्ञान की निरंतर संचेतना से, अभी संचेतना शब्द का अर्थ भावार्थ में पढ़ेंगे, संचेतना से अत्यंत शुद्ध रूप में प्रकाशित होता है, और अज्ञान की संचेतना से बंद दौड़ता हुआ आकर ज्ञान स्वभावी आत्मा की शुद्धता को रोक लेता है। ज्ञान स्वभावी आत्मा को शुद्ध नहीं होने देता है, मलिन ही कर देता है। देखिए, मैं संचेतन का अर्थ पढ़ता हूँ, किसी वस्तु के प्रति एकाग्र होकर उसी का अनुभव रूप स्वाद लिया करना, वह उसका संचेतन कहलाता है। किसी के प्रति एकाग्र, इसमें नहीं मिलेगा भावार्थ पुराने, उसमें जयचंद जी छावड़ा के भावार्थ में है, किसी के प्रति एकाग्र होकर उसी का अनुभव रूप स्वाद लिया करना, वह उसका संचेतन कहलाता है। ज्ञान के प्रति एकाग्र उपयुक्त होकर उस ही ओर ध्यान रखना, वह ज्ञान का संचेतन, ज्ञान चेतना है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, वो ऐसा अनुभवन हो तो ज्ञान का संचेतन है। उससे अत्यंत शुद्ध होकर, ज्ञान अत्यंत शुद्ध होकर प्रकाशित होता है, अर्थात केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर संपूर्ण ज्ञान चेतना कहलाती है। और दूसरी तरफ अज्ञान रूप अर्थात कर्म रूप, कर्म फल रूप उपयोग को करना, उसी की ओर एकाग्र होकर उसी का अनुभव करना, वह अज्ञान चेतना है। अभी बैठे बैठे हम स्वाध्याय कर रहे हैं ना, स्वाध्याय सुन रहे हैं ना, तो ज्ञान चेतना कर रहे हैं, अज्ञान चेतना कर रहे हैं, कौन सा संचेतन चल रहा है, ज्ञान संचेतन अज्ञान संचेतन? सुन रहे हैं ज्ञान की बात, लेकिन उसके बाद भी इसी समय देह की एकत्व बुद्धि, मैं कौन हूँ, वो अंदर जो अभिप्राय में जो पड़ा हुआ है उसके प्रति एकत्व बुद्धि, वो उसका एकाग्र होकर के अनुभव कर रहे हैं, वो देह के प्रति, रागादि के प्रति, विकारी भावों के प्रति, इसलिए वह अज्ञान का संचेतन चल रहा है। मैं एक ज्ञान रूप हूँ ऐसा उसके प्रति एकाग्र होकर के उसका अनुभव नहीं चलता, इसलिए ज्ञान चेतना न होकर के अज्ञान चेतना हमारी चल रही है। बोले श्लोक और पद्यानुवाद बोलिए। नस्य संचेतनयैव नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतेव शुद्धम् अज्ञान संचेतनयातु धावन् बोधस्य शुद्धिं निरुणद्धि बन्धः ज्ञान चेतना शुद्ध ज्ञान को करे प्रकाशित शुद्ध ज्ञान को रोके नित अज्ञान चेतना और बंद की करता यह अज्ञान चेतना यही जान चेतो आत्मनित ज्ञान चेतना। तात्पर्य यह है कि बंद को रोकना है और शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करना है तो ज्ञान की संचेतना को निरंतरता प्रदान करो, यही एक मार्ग है। और वो ज्ञान की संचेतना को निरंतरता प्रदान करने के लिए
आगे गाथाओं में प्रेरणा दे रहे हैं। वैसे बात तो नास्ति की चल रही है, यदि अज्ञान का संचेतन करोगे तो कर्म का बंध होगा, और ये नास्ति कह रहे हैं, और इसका अर्थ यदि इससे बचना है तो अज्ञान का संचेतन छोड़ो, ज्ञान का संचेतन करो। पढ़ते हैं तीनों गाथाएं, 387, 388, 389। वेदन्तो कम्म फलम् अप्पाणम् कोणदिजो दुकम्म फलम् सोतम् पुणो विबन्धति बीयम् दुःखस्सठविहम्। वेदन्तो कम्म फलम् मये कदम मुणदिजो दुकम्म फलम् सोतम् पुणो विबन्धति बीयम् दुःखस्सठविहम्। वेदन्तो कम्म फलम् सुहिदो दुहिदो यहवदिजो चेदाम् सोतम् पुणो विबन्धति बीयम् दुःखस्सठविहम्। तीनों गाथाओं की दूसरी पंक्ति एक सी है। सोतम पुणो विबन्धति बीयम् दुःखस्स अठविहम्। सो वह बन्धति बांधता है, बीयम् दुःखस्स अठविहम्। दुःखस्स बीयम्, बीयम माने बीज, दुख के बीज को बांधता है। क्या है दुख का बीज? अठविहम्, आठ प्रकार का है दुख का बीज। क्या है आठ प्रकार का? आठ प्रकार का जो कर्म है वह दुख का बीज, उसे बांधता है। कौन बांधता है? तो अभी जो चर्चा आएगी, तीन प्रकार की चेतना, ये तो बार बार चर्चा सुनी होगी ना, तीन प्रकार की चेतना कौन कौन सी? पहली कौन सी है? ज्ञान चेतना, और दूसरी अज्ञान चेतना। और अज्ञान चेतना ही दो प्रकार की है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो यहाँ यदि ज्ञान चेतना न की जाए और अज्ञान चेतना रूप परिणत हो, और अज्ञान चेतना में कर्म फल या कर्म चेतना रूप परिणमित हो, तो उसे ही एक तरह से 387वीं गाथा में अज्ञान चेतना की बात करते हैं, 388 में कर्म चेतना की, और 389 में कर्म फल चेतना की। क्या अज्ञान चेतना है? वेदन्तो कम्म फलम् अप्पाणम् कुणदिजो दुकम्म फलम्। कर्म फल का वेदन कर रहा है, इसलिए कर्म फल चेतना ही मत समझना। कर्म फल का वेदन मुनिराज को भी हो रहा होगा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी को भी, भूमिका अनुसार जितना कर्म का उदय आ रहा है उसका फल हो रहा है, लेकिन अज्ञान चेतना नहीं होगी। उस कर्म फल का वेदन करते हुए वेदन्तो कम्म फलम् अप्पाणम् कुणदिजो कम्म फलम्, अपने को उस कर्म फल रूप ही करता है, उस कर्म फल के साथ अपने को एक में कर लेता है। वेदन्तो कम्म फलम्, अभी मैं कह रहा था ना, भले ही हम अभी निरंतर अज्ञान संचेतन चल रहा है, क्यों चल रहा है? किमचंद भाई का वाक्य भी मैंने अनेकों बार सुनाया, उदय सहित होकर उदय रहित की बात सुनेंगे कैसे समझ में आ सकेगी? बंगाली में इसको डूमूर बोलते हैं। ये चैतन्य स्वरूप आत्मा अबद्ध स्पृष्ट है ना, तो अबद्ध स्पृष्ट है माने कर्मों से बंधा नहीं, स्पर्शित नहीं है, कर्म बंधते नहीं, छूते नहीं है। जब कर्म से बंधा ही नहीं है तो उसका उदय आकर के इसको फल कैसे दे सकता है? वो जो हमारा मूल द्रव्य स्वभाव है, वह द्रव्य स्वभाव, वो उदय, कर्म का उदय उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, वो एक रूप रहने वाला है, परम पारिणामिक भाव, निष्क्रिय निष्कर्म, कोई कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसमें, उदय का रंच मात्र प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो है, उदय से रहित है, कर्म का उदय कुछ नहीं बिगाड़ता। हम उस चैतन्य स्वरूप आत्मा की बात सुन रहे हैं और उदय सहित होकर सुन रहे हैं। तो उदय सहित होकर का मतलब
अच्छा, अभी मैं मनुष्य हूँ और जो भी आप अपना नाम है, अभी आप युवा अवस्था में है तो मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, जो जो अवस्थाएं कितनी जैसी उदय रूप अवस्था हमको मिली हुई है उस अवस्था के साथ, और ये सब मिला हुआ हमको किससे मिला हुआ है? कर्म के उदय के अनुसार मिला हुआ है। वो कर्म के उदय के उस फल को भोगते हुए हुआ कर्म का उदय, कर्म में आया, संयोगों में आया, उस संयोगों में आने के बाद भी उससे भिन्न चैतन्य रूप मैं आत्म तत्व हूँ, लेकिन मैं उसके साथ एक में करता हूँ, तो कुणदि जोदु कम्म फलम, अपने को उस कर्म फल रूप करता है। मोह राग द्वेष का परिणाम जितना आ रहा है तो उसके वो कर्म के उदय का फल है। मैं अपने आप को मैं रागी हूँ, ये कर्म फल के साथ एक में करना, यही अज्ञानपना है। और ऐसा करता है तो ये विपरीतता, यही सो तुम पुणो विबंध दि बीयम दुख सटवीहम, आठ प्रकार के दुख के बीज रूप कर्मों को निश्चित रूप से वह बांधता है। ये आठ प्रकार के कर्म है ना, ये दुख के बीज हैं। ये जीवाजीव अधिकार से ही कहते आ रहे हैं, जीवाजीव अधिकार की 45 नंबर की गाथा निकाली है, 45 नंबर की, ये आठ प्रकार के कर्मों को ये दुख का बीज कहा वहां पर। जब आठ, वो आठ प्रकार की मान्यता वाले हैं ना, विपरीत मान्यता वाले हैं, और ऐसे बहुत से पर को आत्मा कहने वाले, उनको समझाते हुए, कर्म को आत्मा कहता है, कोई किसी को आत्मा कहता है, उनको समझाते हुए जो बात की गई 45 नंबर की गाथा, अट्ठ विहम पीय कम्मम सवम पोगलमयम जिणा वेन्ती जस फलम तम उच्चदि दुखंति विपच्च मानस, अष्टविद सब कर्म पुद्गल मैं कहे जिन देव ने, सब कर्म का परिणाम दुख में यह कहा। तो अट्ठ विहम पीय कम्मम, आठों प्रकार का कर्म और उसका फल क्या है, उच्चदि दुखम ति विपच्चवा, जब उदय में आएंगे तो उसका फल निश्चित रूप से दुख ही निकलने वाला है, इसलिए जो दुख का बीज है, ऐसे वह आठ कर्म, यद्यपि आठों कर्म यदि दुख देते हो तो जो चार अघाती कर्म बचे हैं वह अरहंत भगवान को भी दुखी करना चाहिए, कहाँ दुखी करते हैं, तो फिर दुख के बीज कहाँ हैं, सभी कर्म कहाँ दुख के बीज हैं, कौन दुख का बीज है इसमें से, मौनी कर्म ही दुख का बीज है असली, तो फिर सबको क्यों कह रहे हैं, अरे मौनी कर्म है, यदि सेनापति है तो सेना को भी दुख का कारण ही कहा जाएगा ना, वह मोह जीव को दुखी करता है तो किसके माध्यम से करता है, ये देह में ले जाएगा, देह में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न कराएगा, होगी तो ये बाकी की जो परिस्थितियां हैं वो अन्य कर्मों के निमित्त से ना, ये सारे उसके सहयोगी हैं, और सहयोगी है इसीलिए वो सिद्ध चक्र विधान की पूजन की पहली जयमाला में जब घाती कर्मों का नाश हो गया और एक सुख प्रकट हो गया है तो फिर क्या करना है, कहले राजाओं की एक नीति रही है, जो भी शत्रु थे उन शत्रुओं के साधक भी हो कोई, उनका अंश भी नहीं रखना है, तो जो मोहन रपति थे उपकरण शेष, मोहरूपी राजा तो चला गया लेकिन उसके उपकरण जिसके जिसको आधार बना करके साधन बना करके दुख देता था वे अघाती कर्म ही थे सब सहयोगी, साता असाता वेदनी नाम कर्म इन सब के माध्यम से दुख देता था, तो उसी के उपकरण थे, तो इनका भी पूरी तरह से नाश करना ही राजा की नीति होती है, इसलिए अघाती कर्मों का भी अभाव करके वो सिद्ध दशा प्रकट करते हैं, माने आठों कर्मों को दुख का बीज कहा जाता है, और इनके बंधने का कारण जैसा पुनः टोडरमल जी का याद कीजिए नवीन बंध विचार में, वे पूरे आठों कर्म कारण नहीं बनेंगे, उसमें से सिर्फ मोहनी, और उस मोहनी में यही एकत्व बुद्धि, कुणदि जोदु कम्म फलम अपाणम, कर्म फल को अपना करता है तो आठ कर्मों को मानता है, और क्या करता है, कर्म फल को अकेला अपना ही करता है क्या, अगली गाथा में कहते हैं
वेदंतो कम फलम मैं कदम मुनदि जो दुकम फलम। हुआ कैसे ये सारा? कर्म के उदय के अनुसार हो रहा है, होता कर्म के उदय के अनुसार। अब मानता क्या है? मैं कदम, मैंने किया, मैंने किया। यदि उस प्रकार के कर्म का उदय नहीं होता तो जितना व्यापार धंधा करने वाले थोड़ी सी कमाई हुई तो मैंने किया, मैंने किया, मैंने इतना कमाया, और यदि उस प्रकार के आपके पुण्य का उदय नहीं होता तो कितनी भी मेहनत करते समय से पहले भाग्य से अधिक न कभी किसी को मिला है न मिल सकता है, तो भाग्य से ज़्यादा मिलने वाला नहीं, समय से पहले मिलने, तो हमने किया वो कहाँ आता है उसके साथ में? तो कम फलम, कर्म का फल जैसा अपने अपने उदयानुसार हो रहा है, तो होते हुए में मैं कदम, मैंने किया, ये कर्म चेतना, मैंने किया, ये जो मानता है ये कर्म चेतना। और ये भी विपरीतता होने से सोतम पुणो भी बंधति बीयम दुख सठ बीयम, भाई पुनः आठ प्रकार के दुख के बीज रूप जो आठ प्रकार के कर्म है उन्हें बांधता है। और अकेला करता ही है क्या कि नहीं? वेदंतो कम फलम सुहिदो दुहिदो यह अवधि जो चेदा, और साथ में जो कर्म फल को भोगता हुआ सुखी दुखी करता है अपने आप को। थोड़ी सी अनुकूलता मिली सुखी मानता है, प्रतिकूलता हुई दुखी मानता है। कर्म फल को भोगते हुए अपने को सुखी दुखी करता है, माने भोगता है। ये कर्म फल, वो कर्म चेतना थी, ये कर्म फल चेतना, कर्म फल को भोगने से कर्म फल चेतना, कर्म फल उसके अनुसार हुए कार्य हुए, जो कोई संयोग जो कुछ प्राप्त हुआ, यहाँ तक कि परिणाम हुए राग द्वेष के परिणाम भी, वो उसे कर्म के उदयानुसार हो रहे, फिर भी मैंने किए, वो मैं कदम, मैंने किए, इस तरह से मानना। सो ये अब भोगना, सुखी दुखी होना उसमें से, ये कर्म फल, वो कर्म चेतना थी, ये कर्म फल। जी सोतम पुणो भी बंधति बीयम दुखस, आठ प्रकार के दुखों के कर्म बांधता है। दूसरी अपेक्षा, वो तीन प्रकार की विपरीत मान्यता है ना, चार प्रकार की विपरीत बुद्धि, कौन कौन सी? एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। वो पहली गाथा में एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि की चर्चा की। अपानम कुणदि जो दुकम फलम, कर्म फल को अपना करता है, ये मैं हूँ, मेरा है, ऐसा मानता है। देह मिली इसमें एकत्व किया, ये मैं हूँ। रागादि के परिणाम हुए, ये रागी हूँ, द्वेषी हूँ। ये कर्म फल में अपनत्व किया, एकत्व किया, यही मैं हूँ, अपना किया। और इसी के संयोग में धन संपत्ति वैभव कुटुंब परिवार इत्यादि सर्व मिला, और यहाँ तक कि देश ग्राम नगर बहुत बाहर तक चले जाते हैं ना, ये सब जो कुछ मिला हुआ है ये सब मेरा है, ये मेरा है, ये ममत्व बुद्धि और एकत्व बुद्धि। और फिर मैं कदम, कर्तृत्व बुद्धि, मैंने किया। और सुहिदो दुहिदो यह अवधि, ये भोक्तृत्व बुद्धि, इसको मैं भोग रहा हूँ, मैं सुखी हो गया दुखी होगा। इस तरह से ये चार प्रकार की विपरीत बुद्धि करना, ये अज्ञान चेतना, और इसी अज्ञान चेतना से सोतम पुणो भी बंधति बीयम दुख स अठवीहम, दुख के बीज ऐसे आठ प्रकार के कर्मों को निरंतर बांधता है। तो जो अज्ञान चेतना से कर्म बनता है, जो बात कही थी उसकी ये चर्चा की। गाथार्थ पढ़ते हैं। जो आत्मा कर्म के फल का वेदन करता हुआ कर्म के फल को निजरूप करता है, अर्थात उसमें एकत्व बुद्धि करता है, वह आत्मा दुख के बीज रूप आठ प्रकार के कर्मों को पुनः भोग बांधता है। जो आत्मा कर्म के फल का वेदन करता हुआ ऐसा जानता मानता है मैंने कर्म फल किया, वह आत्मा दुख के बीज रूप आठ प्रकार के कर्मों को पुनः बांधता है। मैंने कर्म फल किया, इसमें ना कर्तृत्व बुद्धि करता है, और कर्म के फल का वेदन करता हुआ आत्मा सुखी दुखी होता है, मैं सुखी हुआ, मैं दुखी हुआ, वह आत्मा दुख के बीज रूप आठ प्रकार के कर्मों को बांधता है। बोले गाथा पद्यानुवाद के साथ। दंतो कम फलम अपाणम कुणदि जो दुकम फलम सोतम पुणो बिबंधदि बीयम दुखस अठ बिहम।
वेदन्तो कम्म फलम् मये कदम मुणदिजो दुकम्म फलम् सोतम पुणो बिबन्धदि बीयम् दुःखस अठ बिहम् वेदन्तो कम्म फलम् सुहिदो दुहिदो यहवदिजो चेदा सोतम पुणो बिबन्धदि बीयम् दुःखस अठ बिहम् जो कर्म फल को वेदते निज रूप माने कर्म फल है बांधते वे जीव दुख के बीज वसुवेद कर्म को जो कर्म फल को वेदते माने कर्म फल मैं किया है बांधते वे जीव दुख के बीज वसुवेद कर्म को जो कर्म फल को वेदते हो सुखी अथवा दुखी हो है बांधते वे जीव दुख के बीज वसुवेद कर्म को। गाथाओं में बहुत कुछ चर्चा अपन ने कर ली है, इसलिए टीका में बहुत संक्षेप में बात करेंगे। क्या है अज्ञान चेतना, क्या है कर्म चेतना, क्या कर्म फल चेतना, बिल्कुल सूत्रात्मक वाक्यों में कहते हैं। ज्ञानादन्यत्र इदम अहम इति चेतनम अज्ञान चेतना। ज्ञानाद अन्यत्र इदम अहम, ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कहीं पर भी ये मैं हूँ, ऐसा चेतना, ऐसा संचेतन। और संचेतन का अर्थ किया था एकाग्र होकर के अनुभव करना, तो यही मैं, इदम अहम, ये मैं हूँ, ऐसा संचेतन करना, इसका नाम अज्ञान चेतना। ये अपनी निरंतर चलती रहती ना, छड़ाला में जैसे जीव अजीव तत्व की भूल बता लिखते हुए लिखा ना, जीव अजीव तत्व की भूल में, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दी बेरूप सुभग मैं। ये जितना मैं करके परिणाम कर रहे ना, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, ये सब जो है ना ज्ञानाद अन्यत्र संचेतन चल रहा है, ज्ञान के अतिरिक्त अन्य जगह है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये सब अज्ञान चेतना है। क्योंकि मेरा स्वरूप ज्ञान मात्र है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, ज्ञान ज्ञान मात्र है। और हम अपने आप को ज्ञान के अतिरिक्त बाकी सब मान रहे हैं, माने ज्ञान को छोड़कर बाकी सब मान रहे हैं, वो उसी साइकिल की तरह हो रहे हैं जिसकी घंटी छोड़ करके बाकी सब बचता है। बढ़िया साइकिल है, बजना क्या चाहिए, घंटी तो बजनी चाहिए, वो तो बजता नहीं है, और बाकी सब नहीं बजना चाहिए, वो सब बज रहा है। हमारा लक्षण क्या, हमारा स्वरूप क्या है, ज्ञान है। तो ज्ञान है तो ज्ञान स्वरूप ही वेदन करना चाहिए ना, ज्ञान स्वरूप तो वेदन करते नहीं है और बाकी सब वेदन करते हैं ज्ञान को छोड़ करके बाकी सब। तो ज्ञानाद अन्यत्र इदम अहम इति चेतनम अज्ञान चेतना सा द्विधा। उसमें भी फिर दो प्रकार, कर्म चेतना कर्म फल चेतना च। तत्र ज्ञानादन्यत्र इदम अहम करोमि इति चेतनम कर्म चेतना। जब हम ज्ञान स्वरूप है, मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ ऐसा ही जानना चाहिए, और मैं जब ज्ञान स्वरूप हूँ तो जानना ही कार्य कर सकता हूँ, जानना जानना ही, तो जानने के अलावा और कुछ करता ही नहीं हूँ, फिर भी जानने के अलावा अन्यत्र ये मैं करता हूँ, अन्यत्र ये मैं करता हूँ ऐसा मानना, वो कर्म चेतना। तो हम यदि श्रद्धा करता हूँ, लीनता करता हूँ, यदि ये कहा जाए तो ये भी तो आत्मा का कार्य है ना, तो वो ज्ञान के अतिरिक्त का मतलब
वो ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त, तो आत्मा के जो अनंत गुण है उन सब की वो सब शामिल है। आत्मा के स्वभाव के अतिरिक्त अन्यत्र जिसमें भी मैं खाना खाता हूँ, पीता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, दुकान चलाता हूँ, ये जो सारे कार्य देह के कार्य बाहर के कार्य और यहाँ तक कि राग करता हूँ द्वेष करता हूँ, राग द्वेष के परिणाम भी मेरे स्वभाव नहीं है, ज्ञान के अन्यत्र हैं वो सब कर्म चेतना कहलाई है। और ज्ञानाद अन्यत्र इदम वेद ये अहम इति चेतनम कर्म फल चेतन, और ज्ञान के अलावा और जिसका भी संचेतन करते हैं, लड्डू खाया क्या किया, मीठा का स्वाद लिया, नहीं स्वाद नहीं लिया है, ये मीठा है ऐसा जाना है, लेकिन हम आनंद मानते हैं तो अन्यत्र स्वाद, ज्ञान के अलावा और स्वाद लिया हमने, तो ये ज्ञान के अतिरिक्त इदम वेदये ये मैं वेदन सुख दुख का वेदन करता हूँ, अच्छे बुरे का वेदन करता हूँ, ये सब कर्म फल चेतना, और ये दोनों अज्ञान चेतना है, कर्म चेतना कर्म फल चेतना। सा तु समस्ता अपि संसार बीजम, और इस तरह की जो अज्ञान चेतना है वो संसार की बीज है, वो मूल है संसार का। संसार बीजस्य अष्टविध कर्मणो बीजत्वात्, क्यों संसार का बीज है, क्योंकि संसार आठ कर्मों के बंधन को कहते हैं और ये आठ कर्म के बंधन का कारण है, इसलिए संसार का बीज है। तो संसार बीजस्य अष्टविध कर्मणो बीजत्वात्, तो क्या करना चाहिए, ततो मोक्षार्थिना पुरुषेण अज्ञान चेतना प्रलयाय सकल कर्म संन्यास भावनाम सकल कर्म फल संन्यास भावनाम च नाटयित्वा स्वभावभूता भगवती ज्ञान चेतना एव एका नित्यमेव नाटयितव्या। बहुत सरल भाषा में, बहुत गंभीर बात है लेकिन बहुत सरल भाषा में लिखी। मोक्षार्थी, ये कर्म बांधना नहीं चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो मोक्षार्थी पुरुषेण, तो मोक्षार्थी पुरुषों को क्या करना चाहिए और किसके लिए, अज्ञान चेतना प्रलयाय, अज्ञान चेतना का प्रलय करने के लिए, क्योंकि उससे बंद हो रहा है, कारण हटाओगे तब तो कार्य से बचोगे। अज्ञान चेतना प्रलयाय क्या करना, सकल कर्म संन्यास भावना सकल कर्म फल संन्यास, क्योंकि वही तो अज्ञान चेतना थी, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, उसका संन्यास करो, छोड़ो, उससे निवृत्त हो जाओ, तो सारे कर्म के संन्यास की भावना और सकल कर्म फल संन्यास की भावना। और संन्यास लेने का मतलब क्या होता है, संन्यास माने बहुत से आपके क्रिकेटर क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं, और क्रिकेट से संन्यास लेते हैं और फिर वो क्रिकेट की कमेंट्री करते हैं, फिर क्रिकेट के उसमें बहुत सारे क्रिकेट से संबंधित कार्यों में जुड़े रहते हैं, तो फिर संन्यास कहाँ लिया, उससे संबंधित पूरी निवृत्ति होना चाहिए तब संन्यास कहलाएगा। तो कर्म संन्यास पूरी तरह से कर्म से बिल्कुल भिन्न, ऐसे कर्म फल संन्यास, और नाटयित्वा इसको नचा करके, नचाना क्या होता है, पुनः पुनः चिंतन करना, पुनः पुनः भावना भाना, और वह कर्म संन्यास और कर्म फल के संन्यास के लिए, इसलिए पुनः पुनः भावना भाने के लिए बहुत सारे सूत्र वाक्य आगे कहने वाले हैं। अच्छा, ये तो इससे तो संन्यास करना, और क्या करना, स्वभाव भूता भगवती ज्ञान चेतना वे एका नित्यमेव नाटयितव्या, उसको तो छोड़ो और क्या नचाओ, ज्ञान चेतना नचाओ। और ज्ञान चेतना के दो विशेषण लगा रहे हैं, एक स्वभाव भूत है और एक भगवती है। भगवती माने आत्मा की बात आते हैं तो आत्मा के लिए भगवान आत्मा, और ये प्रज्ञा या इस तरह से आता है तो भगवती, भगवती ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना को भगवती कह रहे हैं गुरुदेव, अर्थ करते भगवान माने भगवानी लक्ष्मी, तो लक्ष्मीवान है, आनंद की लक्ष्मी जिसके साथ जुड़ी हुई है वह भगवान। भगवान भगवान को भगवान कहते हैं क्योंकि ज्ञान और आनंद की लक्ष्मी से संपन्न है, इसलिए उसे भगवान कहते हैं। तो यहाँ ज्ञान चेतना को भगवती कह रहे हैं, तो ज्ञान तो स्वयं है, तो आनंद की लक्ष्मी जिसके साथ जुड़ी हुई है ऐसी वह भगवती ज्ञान चेतना,
दूसरा स्वभाव भूत है, कहीं से लाना नहीं है, हमारा सहज स्वभाव है, ऐसे स्वभाव भूत ज्ञान चेतना, और इसी को निरंतर नचाना चाहिए। तो नचाना माने क्या करना, नित्यमेव नाटयितव्या, नचाने का मतलब है चिंतन करना पुनः पुनः, यही मैं हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान स्वरूप ही हूँ, ऐसा ही निरंतर संचेतन करना, इसी का नाम ज्ञान चेतना को नचाना है। अब तत्र तावत सकल कर्म संन्यास भावनाम नाटयति, तो सबसे पहले कर्म संन्यास की भावना को नचाते हैं। अब कैसे नचाते हैं, कल अपन अमृतचंद्र आचार्य देव का नृत्य देखेंगे, कैसा वो अपनी भावना को नचाते हैं, भावना का नृत्य देखेंगे। और प्रयास, दूसरे का नृत्य देखते हैं ना, तो क्या इच्छा होती है, अपनी भी इच्छा होती है, तो अपनी भी इच्छा होनी चाहिए, तो हम भी अपनी भावना को इस तरह नचाए और अज्ञान चेतना छोड़कर ज्ञान चेतना रूप परिणत हो, इसी मंगल भावना के साथ। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गहे सुपावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो।